साथ यूपी विधानसभा में बजट सत्र का आज चौथा दिन है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी आज सदन में बोलेंगे। विधानसभा में आज का दिन हंगामेदार रह सकता है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। अभिभाषण पर चर्चा करते हुए विपक्ष हंगामा कर सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज चौथा दिन बजट सत्र का, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी आज सदन में बोलेंगे और क्या कुछ वो बोलेंगे इस पर सभी की निगाहें। विधानसभा में आज का दिन हंगामेदार रहने के आसार और अभिभाषण पर, क्योंकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत की थी और उसी अभिभाषण पर चर्चा करते हुए विपक्ष हंगामेदार तस्वीर दिखा सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। स्कंदिता, क्योंकि आज चौथा दिन बजट सत्र का काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव भी बोलते हुए नजर आएंगे। देखिए, आज विधानमंडल बजट सत्र का चौथा दिन है और इतने दिनों से लगातार कार्यवाही चल रही है। और आपने जैसा बोला कि आज जो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हैं वो विधानमंडल में संबोधन देंगे, वो भी अभिभाषण देंगे। तो जब पहला दिन था तभी भी ऐसा देखने को मिला था कि अखिलेश यादव और सपा के तमाम नेता हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे। और इस बार का जो बजट सत्र है विधानमंडल में वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी तमाम नेता लोग जो हैं वो हंगामे कर रहे हैं और तमाम जो मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं। जिस तरीके से वो विधानमंडल में पहुंचते हैं, उनकी समाजवादी पार्टी के नेता कभी साइकिल से पहुंच रहे हैं तो कभी वहां पर पहुंच के हंगामे कर रहे हैं। तो आज का अगर बताया जाए तो 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी, योगी आदित्यनाथ शामिल रहेंगे। और कल बजट सत्र आया था, कल बजट का प्रस्ताव रखा गया था और बजट पर जो भी अभिभाषण राज्यपाल ने दिया था उसको लेकर योगी आदित्यनाथ आज धन्यवाद प्रस्ताव करेंगे आनंदीबेन पटेल के लिए। और उसके बाद 11 बजे के बाद जब वो धन्यवाद प्रस्ताव करेंगे उसके बाद कार्यवाही शुरू होगी विधानमंडल की, जिसमें सबसे पहला संबोधन योगी आदित्यनाथ का रहेगा। उसके बाद में तमाम अखिलेश यादव जो हैं उनका भी आज अभिभाषण रहेगा और उनके जो तमाम नेता हैं वो भी विरोध करते नजर आ सकते हैं, क्योंकि कल जैसे बजट आया है बजट के बाद से समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का ये कहना था, वो नाखुश दिखे हैं बजट से। उनका कहना था साफ तौर पर कि जो युवाओं के लिए है वो बजट नहीं था, किसानों के लिए बजट नहीं था। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम प्रतिक्रियाएं देखें विपक्ष के तमाम नेताओं की, अगर हम बसपा सुप्रीमो मायावती की भी बात करें, उन्होंने भी बजट को बेकार बताया कि कुछ भी प्रावधान इसमें बेरोजगारों के लिए नहीं है। काफी जुमलेबाजी की है सरकार ने। और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि ये जो बजट है दिशाहीन है, अब क्या माना जाए? अभिभाषण पर आज चर्चा होगी, क्या कुछ तस्वीरें आज सदन से देखने को मिल सकती है? देखिए, कल जिस तरीके से बजट आया उसके बाद में तमाम लोगों को उम्मीदें थी, जनता को तो उम्मीदें थी इसलिए, और इसके अलावा जो विपक्ष था वो भी कहीं ना कहीं मौका ढूंढ ही रहा था कि किस तरीके से बजट आता है। और जो इस बार का बजट आया है 6,90,000 करोड़ का बजट था, ऑलमोस्ट 7 लाख का बजट था। इससे पहले जो आया था बजट वो 6,50,000 का था, तो अभी तक का सबसे बड़ा बजट आया है। तो ऐसे में लोगों की उम्मीदें भी ज़्यादा थी कि युवाओं के लिए कुछ अच्छा होगा, शिक्षा की दिशा में अच्छा होगा। तो कुछ कुछ लोग जो है वो तो मेडिकल जैसे स्टूडेंट्स थे वो खुश नजर आए वहीं, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष हैं अखिलेश यादव हैं, ये बसपा सुप्रीमो मायावती जी हैं, इन्होंने साफ तौर पर एकदम बेकार बताया बजट को कि किसानों के लिए अच्छा नहीं था, जो युवा हैं उनके लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि युवा बेरोजगार हैं अभी भी। वहीं जो योगी सरकार है वो लगातार कह रही है कि जैसे उन्होंने G20 में किया और 19,000 MOU साइन करवाएंगे, उन्होंने तमाम बोला कि हाँ ये युवाओं के लिए काफी कुछ किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके जो विपक्ष है वो खुश नजर नहीं आया, चाहे वो मायावती हो या वो अखिलेश यादव हो समाजवादी पार्टी से। तो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को मुद्दा बना रही हैं, और यही मुद्दा बनाते हुए आज किस तरीके से वो हंगामा करेंगी वहां पर वो देखने लायक रहेगा। क्योंकि जो तमाम लोग हैं वो कल नाखुश नजर आए थे, अखिलेश यादव ने भी अपने बयान में अपने एक बाइट में कहा था कि ये जो बजट है
वो पूरी तरीके से बेकार है, पूरी तरीके से उसको नकार दिया था। उन्होंने कहा था ये बुलडोजर वाली सरकार है, ऐसी तमाम चीजें वो कहते हुए नजर आ रहे थे। ठीक है स्कंदिता, जिस तरह से अभिभाषण पर आज चर्चा होगी, नजर रखिए और आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।